हमारे जीवन में पैन कार्ड का बहुत बड़ा रोल रहा है। पैन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैगी से फास्ट पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं कैसे पता कर सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के बाद पैन कार्ड को कैसे वेरीफाई किया जाता है ये कैसे हम पता कर सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के बाद पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। इन टॉपिक के साथ आप सभी मित्रों का सरकारी सॉल्यूशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मित्रों हमें गूगल सर्च करना है और हमें लिखना है इनकम टैक्स ई फिलिंग। उसके बाद हमें गूगल सर्च कर देना है। गूगल सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक हमारे सामने आ जाएगी इनकम टैक्स ई फिलिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स ई फिलिंग की पोर्टल ओपन हो जाएगी। मित्रों आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की डेट और बढ़ाई गई है। आप लोग 2023 तक पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। अगर मित्रों आप लोग 30 जून 2022 तक पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक कर लेते हैं तो आप लोग को एक पैन कार्ड लिंक करने के लिए 500 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर उसके बाद अगर आप लोग आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करवाते हैं उस समय आप लोग को 1000 रुपीज़ पे करना होगा। अभी मित्रों आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे कैसे आप लोग आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सर्विस मित्रों उपलब्ध नहीं है। जैसे यहाँ पर अपडेट किया जाएगा आप लोग आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करवा पाएंगे। अभी हम मित्रों बात करेंगे कैसे आप लोग आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए मित्रों आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लिंक आधार स्टेटस। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा योर पैन हिज ऑलरेडी लिंक टू आधार, ऐसा लिखा आएगा। अगर पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं होगा पैन कार्ड हिज नॉट लिंक, ऐसा लिखा आएगा। उसके बाद मित्रों यहाँ पर हम बात करेंगे जब मित्रों आप लोग इंस्टेंट पैन कार्ड बनाते हैं या तो NSDL के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं या तो UTI के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं उस समय आप लोग यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं आपका पैन कार्ड वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए मित्रों आप लोग को यहाँ पर वेरीफाई पैन पे क्लिक करना है। उसके बाद मित्रों आप लोग को यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, फुल नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP भेजी जाएगी। OTP आने के बाद फिल करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव होगा तो यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका पैन कार्ड इज एक्टिव। अभी बात करेंगे मैगी से फास्ट कैसे आप लोग पैन कार्ड बना सकते हैं। आप लोग यहां पर इस वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं। तो यहां पर आप लोग इंस्टार्ट ई पैन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग यहां पर देख पाएंगे, आप लोग को यहां पर देखने मिलेगा आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में पैन कार्ड बना सकते हैं और आप लोग को यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड नहीं दिया जाएगा, आप लोग को यहाँ पर वर्चुअल पैन कार्ड दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। उसके बाद मित्रों आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के लिए। मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गेट न्यू ई पैन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए और स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर कंसेंट देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद मित्रों आप लोग के सामने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाती है। OTP आने के बाद यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल होती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैक्स कर लिया जाता है, जैसे कि आपका फ़ोटो, नाम, जेंडर, एड्रेस और जो भी कुछ चीज़ें मेंशन की जाती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मित्रों आपके आधार कार्ड के साथ ईमेल आईडी लिंक नहीं होगी तो यहाँ पर आप लोग को लिंक करनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग लिंक ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, जो भी आप लोग ईमेल आईडी यहाँ पर लिंक करना चाहते होंगे यहाँ पर फिल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद मित्रों आप लोग को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मित्रों आप लोग को यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद मित्रों आप लोग को 10 मिनट के भीतर या तो 24 घंटे के अंदर पैन कार्ड नंबर दे दिया जाता है। पैन कार्ड नंबर जनरेट होने के बाद आपको मित्रों आपके ईमेल आईडी पर पैन कार्ड की पीडीएफ भेजी जाती है, वहाँ से भी आप लोग पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका पैन कार्ड बना है या नहीं उसको चेक करने के लिए मित्रों आप लोग दोबारा होम पेज पे आएंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग इंस्टॉल ई पेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग को यहाँ पर टेस्ट और डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी भेजी जाती है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मित्रों आप लोग के सामने स्टेटस शो होगा। मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ पर पैन कार्ड को देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो पैन कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ई पेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। तो मित्रों इस तरह हम इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के बाद पैन कार्ड को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मित्रों यहां पर हमने सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। हमारे ओर से दी गई जानकारी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। अगर मित्रों आप लोग के मन में किसी भी तरह का सवाल कन्फ्यूजन होगा या तो आप लोग हमें सजेशन देना चाहते होंगे तो आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। अगर मित्रों आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मित्रों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी ओर से आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।